अस्सलामुअलैकुम, इजी कुकिंग शो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। आज मैं लौकी की भुजिया बना रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। लौकी की हम और भी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, ये उनसे मुख्तलिफ है। 1 किलो लौकी ली है, जिसे हमने छिलका उतार के धो के काट लिया है। 1 अदद बड़े साइज का टमाटर लिया है, इसे भी हमने काट लिया है। 2 अदद बड़े साइज की हरी मिर्चें ली है, मोटी वाली, उसे भी हमने काट लिया है। 1 बड़े साइज का प्याज लिया है, अगर छोटे हों तो आप 2 प्याज ले लें। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल करेंगे। मसालों में हमने 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। साथ ही मोटी वाली साबुत लाल मिर्चें भी ली हैं। कुकिंग ऑयल लिया है 1/4 कप। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देगची में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल के साथ ही हम लौकी शामिल कर देंगे। लौकी को 2-3 मिनट के लिए दरमियानी आँच पर भून लेंगे। लौकी को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च ली थी, सारे मसाले इसमें हमने शामिल कर दिए। इसे मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ हम लौकी को 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। लौकी को हमने मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के साथ ही प्याज शामिल कर देंगे। प्याज के साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और 2 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम लौकी को ढक के 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक लौकी गल ना जाए। लौकी की भुजिया को पकते हुए 20 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। लौकी की भुजिया बनके तैयार है, इसे अब हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। लौकी की भुजिया को हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इजी कुकिंग शो को सब्सक्राइब करें। जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।